राजेश जी को बताया था काम चल रहा है देखो रमाशंकर जी, आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, इस मौके पे क्या कहना चाहते हैं और ये जो सहकार भारती है इसका क्या काम है? सहकार भारती एक आर्थिक क्षेत्र का संघ का अनुसंधिक संगठन है, सबसे बड़ा आर्थिक संगठन हम लोग के पास है। हम जो है आम जनमानस के स्वयं स्वावलंबन के आधार पर और सहकारिता के माध्यम से काम करते हैं। सहकारिता ही एक ऐसा माध्यम है जो हम आम जन को एक आर्थिक सुदृढ़ीकरण प्रदान कर सकते हैं। जैसे स्वयं सहायता समूह है, सहकारिता के माध्यम से 10 लोगों को मिल करके और आगे की कार्य की प्रेरणा देना, अपने पैरों पर खड़ा होना, विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद मिलते हैं उन उत्पादों का हम लोग जो है स्वदेशी के माध्यम से उसका उत्पादन करके और कम मूल्य पर एक उचित मूल्य लेते हुए और शुद्ध सामान की सप्लाई करना, ये मार्केटिंग भी हमारा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से होता है। कार्यालय का आधार मिल जाने से और प्रदेश में कार्य को सुचारू रूप से गति देने का और आज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाते से उस कार्य का विस्तार सोशल मीडिया के माध्यम से होना चाहिए, इस दृष्टि से प्रदेश के राजधानी में कार्यालय का होना अति आवश्यक था और उस दृष्टि से और हम लोगों ने ये कार्यालय का आज उद्घाटन किया है। प्रदेश भर से हमारे पदाधिकारी और अपने राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय संजय पाठपोर जी जो प्रचारक है, पूरे देश भर में उनका प्रमुखता है। उत्तर प्रदेश में आगामी 7वां राष्ट्रीय अधिवेशन होने की तैयारी हो रही है, जो देश भर से 4,500 प्रतिनिधि और आएंगे 1921 में और वो प्रदेश की राजधानी में होने वाला है। और इस नाते से अपने राष्ट्रीय संगठन मंत्री जो संजय पाठपोर जी हैं उनका उत्तर प्रदेश की ओर विशेष ध्यान है और तीन तीन प्रदेश में प्रतिमाह 3 दिन का वो प्रवास उनका उत्तर प्रदेश में तय है। हर महीने वो 3 दिन उत्तर प्रदेश को देंगे। हमारा किस माह में होगा ये प्रोग्राम? ये 2021 में और नवंबर के माह में होगा। ये 7वां राष्ट्रीय, अभी 6वां पुष्कर में हुआ था जब से राष्ट्रीय सहकार भारती की स्थापना हुई। जसवाल जी, कितने जिलों में आपका ये संगठन काम कर रहा है? अभी प्रदेश के 75 जिलों में 60 जिलों में हमारा संगठन और खड़ा है और आगामी हम 6 महीना में चुनाव के बाद 75 जिलों में और 17 महानगर हैं सभी जगह हमारी कार्यकारी और इकाइयाँ हो जाएंगी। और अब ऑनलाइन व्यवस्था हमारी रहेगी। सदस्यता अभियान हमारा प्रति माह में अप्रैल से लेकर के और जून तक चलता है, लेकिन चूंकि चुनाव है इस नाते से इस बार सदस्यता का तिथि जो है हम लोग 31 अगस्त तक बढ़ा दिए। तो सब सरकार की क्या दखल है इसमें? आपने कोई सरकार से कोई सरकार हम जो सहकार भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो अनुसंधिक क्षेत्र है वो सरकारी योजनाओं पर बिल्कुल ही निर्भर नहीं रहता। हम जो सहकारिता का काम करते हैं, बिना सहकार नहीं उद्धार, बिना संस्कार नहीं सहकार और बिना सहकार नहीं उद्धार, ये हम लोगों का मूल वाक्य है। इस सिद्धांत पर हम काम करते हैं। हम कोई भी सरकारी मदद के बिना काम करने वाले लोग हैं, हम लोग कोई सहायता नहीं लेते हैं। जसवाल जी, इसमें किस तरह के काम होते हैं? क्या कोई लघु उद्योग में लगाए हैं? हाँ, हम लोग जो माइक्रो फाइनेंसिंग के जरिए और उनको प्रशिक्षण देते हैं और हमारा प्रशिक्षण ऑल इंडिया तक होता है और बड़े बड़े हमारे संस्थान चलते हैं सहकारिता के माध्यम से। हम उनमें राष्ट्रीय स्तर पर उनको प्रशिक्षण का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं और उनको जो भी फाइनेंसिंग की जरूरत होती है हम उनको फाइनेंस करते हैं। ऐसे ऐसे काम हमारे होते हैं। छोटे छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लोग मिल करके एक सहकारिता बनाते हैं और उस तरह से करते हैं। जैसे क्रेडिट सोसाइटी है, 10-20 लोगों का एक संगठन बनाया और एक निश्चित राशि तय कर दी और उससे जो है जो फाइनेंस इकट्ठा हुआ उसको हम 1% पर
अपने कार्यकर्ताओं को काम करने के लिए देते हैं, तो बिना सरकारी सहयोग के। और ये संस्था काम करती है इसलिए इसका संस्कार है और इसलिए ये संस्था अपने आप में बढ़ती है। कहीं किसी जसवाल जी, लोग कैसे आपकी संस्था आपसे कैसे संपर्क करें, इसके लिए कोई इसके टोल फ्री नंबर या कोई? हाँ, सोशल मीडिया में भी हमने दिया है और टोल फ्री नंबर, ये कार्यालय स्थापित होने के बाद हम टोल फ्री नंबर भी जारी करेंगे। वैसे हमारा नंबर, महामंत्री जी का नंबर, कोषाध्यक्ष जी का नंबर, ये सारा सर्कुलेट है। और सदस्यता अभियान में हमारे कार्यकर्ता अगस्त तक काम करेंगे, अभी चुनाव में और सहयोगी होने के नाते हम लोगों का जहाँ जहाँ लगा हुआ है संघ के माध्यम से मतदाता को जागरूक करने का काम हम लोग करते हैं, तो मतदाता को जागरूक करने के लिए हम लोग की योजना बनी हुई है। चुनाव के बाद हमारी सदस्यता अभियान चलेगी और उसके बाद हम लोग पूरे जिले में प्रशिक्षण वर्ग लगाएंगे। जो हमारे सदस्य बनेंगे उनका हम प्रशिक्षण वर्ग करेंगे और उनको सहकारिता के चीज़ों से अवगत कराएंगे और विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने की कोऑपरेटिव बना के प्रेरणा देंगे और उनके लिए प्लेटफार्म उपलब्ध कराएंगे।